संधि किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखें। संधि शब्द का अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण देखें, जैसे सम जमा तोष, इससे म जो हलंत है और उसके बाद ओ की जो स्वर की आवाज आ रही है उनको जोड़ने से न की आवाज उत्पन्न होती है, तो शब्द बना संतोष। देव जमा इंद्र, इसमें देव का अंतिम वर्ण देखिए और दूसरे शब्द का पहला, इन दोनों के मिलने से ही परिवर्तन होता है। जैसे व, तो अ स्वर की आवाज आ रही है, अ जमा ई, ए में परिवर्तन हो रहा है, तो देव जमा इंद्र शब्द देवेंद्र में परिवर्तित हो रहा है। भानु जमा उदय, इसमें भी पहले शब्द के अंतिम स्वर पर ध्यान दें, उ जमा उदय, उदय का पहला स्वर उ, ये दोनों जुड़कर बड़ा उ में परिवर्तन हो रहे हैं, तो शब्द बना भानुदय। संधि के भेद ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर संधि, नंबर दो व्यंजन संधि और नंबर तीन विसर्ग संधि। तो पहले हम स्वर संधि के बारे में जानेंगे। स्वर संधि क्या है? ये दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य, क्या बना? विद्यालय। इसमें ध्यान से देखेंगे, विद्या का अंतिम जो स्वर है आ की आवाज आ रही है और उसके बाद आल्य, मतलब आ जमा आ या विद्यालय, ऐसे शब्द में परिवर्तन होता है। स्वर संधि के पांच प्रकार होते हैं, आइए जानें। आइए जानें दीर्घ संधि के बारे में। हर्ष या दीर्घ, ये स्वर हैं अ ई और उ, इनके बाद यदि हर्ष या दीर्घ यानी यही स्वर अ ई और उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे, अ जमा आ में परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण देखें, हिम जमा आले, हिम का अंतिम स्वर है म और आल्य का पहला स्वर आ, ये दोनों मिलकर आ बन जाते हैं और शब्द में इस तरह से परिवर्तन करते हैं, ये बना हिमालय। आगे देखें, आ जमा अ, ये भी आ में परिवर्तन हो रहा है। इसका उदाहरण देखें, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। आगे देखें, छोटी ई और बड़ी ई में कैसे परिवर्तन होता है। ई जमा ई, बड़ा ई। उदाहरण देखें, रवि जमा इंद्र, रविंद्र। मुनि जमा इंद्र, मुनींद्र। अब आगे देखें, ई जमा बड़ा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तन होता है। इसका उदाहरण देखें, गिरी जमा ईश, गिरीश। मुनि जमा ईश, मुनीश। बड़ा ई जमा छोटा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तन हो रहा है। उदाहरण देखेंगे, मही जमा इंद्र, महेंद्र। नारी जमा इंदु, नारिंदु। बड़ा ई जमा बड़ा ई, ये भी बड़ा ई में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखें, नदी जमा ईश, नदीश। मही जमा ईश, महीश।
आइए देखें ऊ और बड़ा ऊ मिलाकर क्या परिवर्तन होता है। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ ये बन जाता है बड़ा ऊ। इसका उदाहरण देखें, भानु जमा उदय भानु उदय, विधु जमा उदय विधु उदय। आगे देखें, छोटा ऊ जमा ऊ भी बड़े ऊ में परिवर्तन हो रहे हैं। लघु जमा उर्मी लघु उर्मी, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। बड़ा ऊ जमा छोटा ऊ ये भी परिवर्तित हो रहे हैं बड़े ऊ में। वधु जमा उत्सव वधुत्सव, वधु जमा उल्लेख वधुल्लेख। बड़ा ऊ जमा बड़ा ऊ ये भी बड़े ऊ में परिवर्तन ला रहे हैं। शब्द देखें आगे, भू जमा उधर भूधर, वधु जमा ऊर्जा वधूर्जा। आगे है गुण संधि। इसमें अ आ के आगे ई ई हो तो ए बन जाता है, ऊ ऊ हो तो ओ बन जाता है, तथा री हो तो अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखें। जैसे अ जमा ई ए में परिवर्तन हो रहा है, और इस तरह से शब्द में परिवर्तन होता है, नर जमा इंद्र नरेंद्र। देखो र के ऊपर ए की मात्रा लग गई है, ए में परिवर्तन हो गया है। आगे देखें, अ जमा ई ये भी ए में परिवर्तन हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण देखें, नर जमा ईश नरेश। आ जमा ई भी ए में परिवर्तन होता है। इसका शब्द उदाहरण है, महा जमा इंद्र महेंद्र। आ जमा ई भी ए में परिवर्तन हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है, महा जमा ईश महेश। अ जमा बड़ा ई ओ में परिवर्तन होता है। इसका शब्द उदाहरण है, ज्ञान जमा उपदेश ज्ञानोपदेश। आ जमा उ भी ओ में परिवर्तन हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है, महा जमा उत्सव महोत्सव। आगे कुछ और उदाहरण देखें। अ जमा उ भी ओ में परिवर्तन हो रहा है। जल जमा उर्मी जलोर्मी। आ जमा बड़ा उ भी ओ में परिवर्तन हो रहा है। महा जमा उर्मी महोर्मी। अ जमा री, यहां देखें अ के बाद री स्वर है, ये अर में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है, देव जमा ऋषि देवर्षि। आ जमा री भी अर में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है, महा जमा ऋषि महर्षि। आगे है वृद्धि संधि। अ आ का ए ऐ से मेल होने पर आई, अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ जमा ए आई, इसका शब्द उदाहरण देखें, एक जमा एक हो जाता है एक एक। अ जमा आई परिवर्तित हो रहा है आई में। इसका शब्द उदाहरण है, मत जमा एके मतैक्य। अ जमा ओ ये औ में परिवर्तित हो रहा है। जैसे वन जमा औषधि वनौषधि। आ जमा ओ भी औ में परिवर्तित होता है। इसका उदाहरण है, महा जमा औषध महौषधि। यण संधि। ई
और बड़े ई के आगे कोई विजातीय स्वर होने पर ई ई को य में बदल देते हैं, यानी य हो जाता है। दूसरा नियम देखें, उ उ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर उ उ को व में परिवर्तित कर देता है। आगे देखें, री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री को र हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखें, ई जमा अ य जमा अ में परिवर्तित हो रहा है, यदि जमा अपि यद्यपि, बड़ा ई जमा बड़ा आ य जमा आ में परिवर्तित हो रहे हैं, इति जमा आदि इत्यादि, बड़ा ई जमा अ य जमा अ में परिवर्तित ला रहे हैं, नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, बड़ा ई जमा बड़ा आ य जमा आ, देवी जमा आगमन देव्यागमन, उ जमा अ व जमा अ में परिवर्तित हो रहे हैं। शब्द उदाहरण देखें, अनु जमा अय अन्वय, उ जमा आ व जमा आ में परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे सु जमा आगत स्वागत, उ जमा ए व जमा ए में परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे अनु जमा एशन अन्वेषण, री जमा अ र जमा आ में परिवर्तित हो रहे हैं। इसे देखें, पित्त जमा आज्ञा पित्राज्ञा। अयादि संधि, ए ऐ और ओ औ से परे किसी भी स्वर के होने पर कर्मशः ऐ आय अव और आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। इसके उदाहरण देखें, ए जमा अ ऐ जमा अ में परिवर्तित हो रहा है। इसका शब्द उदाहरण है, ने जमा अन नयन, ऐ जमा अ आय जमा अ में परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे गए जमा अक गायक, ओ जमा अ अव जमा अ में परिवर्तित होते हैं। इसका शब्द उदाहरण है, पो जमा अन पवन, औ जमा अ आव जमा पो जमा अक में परिवर्तित हो रहे हैं, जैसे पावक।